नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमचू महोत्सव मनाया जाता है? सही उत्तर है, भूमचू महोत्सव सिक्किम में एक प्रमुख त्यौहार है और इसे पश्चिम सिक्किम के ताशी डिंग मठ में मनाया जाता है। भूमचू शब्द का अर्थ है पानी का पवित्र बर्तन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रेशम कीट बीमा योजना, रेशम कीट पालकों के लिए भारत की पहली रेशम कीट बीमा योजना किस निम्नलिखित राज्य में शुरू की गई थी? सही उत्तर है, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने रेशम कीट पालकों की सुरक्षा के लिए रेशम कीट बीमा योजना शुरू की है। राज्य में लगभग 12,000 परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रेशम उत्पादन से जुड़े हुए हैं और पिछले साल 6,000 हितधारकों द्वारा उत्तराखंड में लगभग 300 मीट्रिक टन रेशम फाइब्रोइन का उत्पादन किया गया था। अगला सवाल है, आई टैक्स के अनुसार किस निम्नलिखित हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा खिताब मिला? सही उत्तर है, स्काई टैक्स द्वारा 2023 के विश्व हवाई अड्डे के सर्वेक्षण से पता चलता है कि सिंगापुर चांगी हवाई अड्डे को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा खिताब मिला। अब तक कोई भी भारतीय हवाई अड्डा वैश्विक रैंकिंग की शीर्ष 20वीं सूची में नहीं था। हालांकि दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने इस बार बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया का अवार्ड जीता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर बन गया है? सही उत्तर, IDFC फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ अपने 3 साल की साझेदारी की घोषणा की है जो क्रिकेट साझेदारी में इसकी शुरुआत है। इस सीजन की शुरुआत में IDFC फर्स्ट बैंक टीम का आधिकारिक बैंकिंग पार्टनर होगा। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? सही जवाब है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के भीतर रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों की ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया था? सही उत्तर है, रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार मिला है। श्री दास दिसंबर 2018 से केंद्रीय बैंक के शीर्ष पद पर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिट फेस्ट आयोजित किया गया था? सही उत्तर है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिट फेस्ट का उद्घाटन किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से बेंगलुरु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिट फेस्ट का आयोजन किया गया था। अगला सवाल है, उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करने की एक परियोजना किस निम्नलिखित देश में शुरू की गई थी? सही जवाब है, डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 1800 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए ब्रिटिश रासायनिक दिग्गज इनियोस और जर्मन तेल कंपनी विंटरशेल डिया के नेतृत्व में एक परियोजना का उद्घाटन किया है जो विदेशों से आयातित CO2 को दफनाने वाला दुनिया का पहला देश है। अगला सवाल है, फरवरी 2023 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति क्या थी? सही उत्तर है, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति फरवरी में घटकर सालाना आधार पर 3.85% रही है जो जनवरी में 4.73% थी। फरवरी में थोक मूल्य सूचकांक में मासिक बदलाव के दौरान 0.20% की वृद्धि देखी गई जो इससे पिछले महीने 0.13% थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने साझा बौद्ध विरासत एक पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? सही उत्तर है, भारत ने 14 से 15 मार्च को विज्ञान भवन नई दिल्ली में साझा बौद्ध विरासत एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स क्विज हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूं इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।